स्वागत है आपका तूफान खबरें में। मैं हूँ पूर्वा शिंदे। फिलहाल मुंबई में लेवल 3 की पाबंदियां है। शाम 4 बजे तक शॉप्स और रेस्टोरेंट्स, जिम्स और सैलून खुले रहेंगे, पर महाराष्ट्र में फिर से मॉल और मल्टीप्लेक्सेस को बंद करना होगा और दुकान का समय प्रतिबंधित हो जाएगा, यानी कि शॉप्स टाइमिंग विल गेट रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि राज्य सरकार ने शुक्रवार को अपने कोविड-19 पर प्रतिबंध लगा दिया। पर मुंबई के लिए हालांकि इससे बहुत कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि शहर में मॉल और मल्टीप्लेक्सेस वैसे भी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने कोविड-19 के डेल्टा प्लस संस्करण के प्रसार और अगले 4-6 सप्ताह में महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच नया आदेश जारी किया है। न्यू रेस्ट्रिक्शंस तभी जारी किए गए थे जब राज्य ने 30 मिलियन टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया था। कोविड-19 के डेल्टा प्लस संस्करण की उपस्थिति, जो कि बढ़ी हुई संप्रेषणीयता और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं में संभावित कमी की विशेषता है, ने चिंता का कारण बना दिया है। राज्य के 7 जिलों में अब तक नए संस्करण के 20 से अधिक मामलों का पता चला है। अपने आदेश में कुंटे ने कहा कि एक राज्य स्तरीय ट्रिगर सभी शहरों और जिलों को 3 या उससे ऊपर के स्तर पर रहने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वायरस के उत्परिवर्तन को देखते हुए अगले संशोधन तक लागू रहेगा। वीकली पॉजिटिविटी रेट्स केवल RT-PCR परीक्षणों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। जिला प्रशासनों को महामारी के प्रसार को रोकने के लिए परीक्षण, टीकाकरण और प्रवर्तन को बढ़ाने सहित विभिन्न कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है। हम अभी भी दूसरी लहर से बाहर नहीं आए हैं और हमें तीसरी लहर से बचना होगा। यह हासिल किया जा सकता है कि अगर हम उचित सावधानियों का पालन करते हैं और टीकाकरण की गति बढ़ाते हैं, राज्य के कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य राहुल पंडित ने ये कहा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑक्सीजन ICU बेड और फील्ड अस्पतालों की जरूरतों को आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। डेल्टा प्लस संस्करण की रिपोर्ट करने वाले 7 जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और परीक्षण और टीकाकरण बढ़ाने के लिए कहा गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और आपको और जानकारी जानना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.tufankhabre.com, और ऐसे ही जुड़े रहे तूफान खबरें से।